मिलन के क्षण भुलाए तो भुलाए भी नहीं जाते, मगर यह तो प्रकृति क्रम है, जो मिलते हैं बिछुड़ जाते। मिलन में प्रेम रस वर्षा हुई, कुछ ज्ञान की चर्चा उसे बांसा अगर जाए, वही क्षण लौट के आते। डॉक्टर साहब के साथ आयुष में रहने का मौका मिला, तमाम कैंप लगते थे, तमाम भीड़ होती थी। डॉक्टर साहब किस तरह से उन्हें समझाते थे और उनको निपटते थे, ये सब जो है वो जब छोटा जाएगा तो वही क्षण याद आएंगे। एक कविता हम सुना रहे हैं, पेड़ में फूल लगा हुआ था तो जब फूल टूटता है पेड़ से, पेड़ उसे उड़ाना देता है, फूल भी उसका उत्तर देता है। तुम नित प्रेमियों को रस देते रहे, तन शोक में ज्ञान गवा रहे हो, वह गंध पराग कहाँ को गई, उमड़े अश्रुधार बहा रहे हो, नव पल्लव गोद में खेलते थे, अब भाग्य का दोष बता रहे हो, रंग रूप को खोकर पुष्प कहो, सरिता में कहाँ बहे जा रहे हो। उत्तर देता है कि बहता हूँ सखे बहने दो मुझे। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध है वो भी आज अपने दो शब्द दो अपने उद्गार सर के लिए कहेंगे। डॉक्टर प्रवीण कुमार मुख्य सर सही करा लें। ऑडियो श्री विनय शंकर वर्मा सर, हमारे 25 बेड के भूतपूर्व प्रभारी और मेरे बड़े अजीत हमारे डॉक्टर संजय कुमार सिंह सर, मैडम डॉक्टर रवि सोनकर और यहाँ उपस्थित सभी चिकित्सा अधिकारी बंधु, सर के परिवार के सभी लोग, 25 बेड के पूरा स्टाफ और यहाँ उपस्थित सभी लोग को मेरा सादर नमस्कार और नव वर्ष की सभी को हार्दिक बधाइयां। सर के बारे में बस यही बताना है कि जब तक सर यहाँ पे थे 25 बेड में, मैं बहुत निश्चिंत था और मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होती थी कि चलो सर हैं वहाँ पे तो मेरी चीजें मैनेज हो जाएंगी, कभी वो कैजुअली मैं चला जा रहा था कभी किसी काम से, तो सर का बहुत सहयोग रहता था। कुछ चीजें सीखने लायक भी थी, सर का डिसिप्लिन और इनकी कार्य पद्धति जो कि हम सभी के लिए एक अनुकरणीय विषय है, जिस तन्मयता से सर पेशेंट्स को देखते थे और जिस तरह से उनका पूरे 3 साल में मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जिस प्रकार से सर पे अपने पूरे दैनिक दिनचर्या को अनुशासन में रख के सहयोग करते थे सभी कर्मचारियों का, सभी लोगों का, चाहे शासकीय कार्य में डीओ सर का भी सहयोग करना हो, चाहे 25 बेड में आउट ऑफ द वे जाके सर बहुत कोऑपरेट करते थे और इस सब चीजों के लिए हम पूरा चिकित्सा अधिकारी संघ वर्ग और सभी लोग सर के बहुत आभारी हैं। सर का आगामी जीवन जो है दूसरी पारी जिसे कहा जाए अति उज्ज्वल हो, बहुत स्वस्थ रहे और ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा भावना है हमारे अंदर भी है सर को लेकर, तो भावनात्मक क्षण है सर का रिटायरमेंट, तो इसी के साथ सर को आगामी जीवन की शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए 25 नगर जहाँ पे हम लोग अपनी सेवा कार्य कर रहे हैं वहाँ सर रिसेप्शन नहीं रहता था, हमारे सभी वहाँ पे जो सिस्टर्स हैं वो यहाँ पे आई हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है कि सर का जो कार्य था उनका डिसिप्लिन बहुत ही सहज था और हर कार्य को बड़ी लगन से और बड़े प्रेम से करते थे, उसका एक बार हम लोग पूरा अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में पूर्व क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर विनय शंकर वर्मा सर है, जिन्होंने सर के साथ सेवा कार्य भी किया, तो सर से अनुरोध है सर भी अपने दो शब्द सर के लिए कहेंगे।
माइक के ना मुंह से माइक दूर है, थोड़ा करीब कर बात। माता जी के संरक्षण में ही सारे कार्य सर ने किए हैं। माता जी को जब भी मौका मिलता था वो लाइब्रेरी आती थी, तो उनका पूरा एक बार हम उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, उनका सहारा हम लोग का स्नेह भी बना रहता था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रमिला मैम है, वो एक गीत प्रस्तुत करेंगी। तो डॉक्टर प्रमिला जी, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका स्नेह बना रहा है हम लोगों के ऊपर। बीते हुए लम्हों की कसक
बताएं सर। हम सब की तरफ से हम सब की दुआएं लेती जा तुझको सभी का प्यार मिले। हम सब की दुआएं लेती जा सर तुझको सभी का प्यार मिले। हम सब की कभी ना याद आए परिवार में इतना प्यार मिले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमें लगता है अगर एक दो दिन और हो जाते तो सभी लोग को भी बहुत मैम ने बहुत अच्छा सुना सकती हूं। अच्छा सुमन मैम एक बार पुनः मैम के लिए तालियों से अभिनंदन। हमारे जो डॉक्टर सुमन वर्मा मैम भी हैं उनसे भी अनुरोध है वो भी मंच पर आए और एक सुंदर गीत प्रस्तुत करें। सभी को नवर्स की हार्दिक शुभकामना और यहाँ उपस्थित सभी सीनियर जूनियर स्टाफ और अतिथियों को नवर्स की हार्दिक शुभकामना। और आज के दिन सर के रिटायरमेंट की बात है तो सर आने वाले वक्त के लिए आपको शुभकामनाएं है सर। और सर मतलब शायद सभी साथ ऐसा होता होगा लेकिन मेरे साथ खासकर ऐसा होता है कि मैं हर किसी के अंदर कुछ भी अगर बहुत अच्छा होता है तो मैं सोचती हूँ उसको सीखना चाहिए। तो सर के अंदर जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो जो है समय का मतलब उनकी एज पर मुझे जो है मतलब की उस हिसाब से दिखाई नहीं दिया सर। तो वो जो है
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से चिकित्सक के साथ बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है, समय बहुत हो गया है, तो उसका ध्यान रखते हुए एक बार सभी हमारे चिकित्सक गणों का, आदरणीय गणों का, सभी परिवारिक जन का हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सर के साथ में ही, जिन्होंने उनका साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के 25 नगर को एक नया पहले ग्रुप में कार्य किया, ऐसे हमारे अखिलेश वर्मा जी फार्मासिस्ट हैं, वो भी अपने उद्गार कहेंगे। वर्मा जी का सर का साथ हमें 2-3 वर्षों का साथ में रहा है, हम लोग के साथ में अपने कार्य किया है, सर की अनुपस्थिति में पूरा कार्य देखते थे, वैसे अब प्रवीण सर आ ही गए हैं तो वर्मा जी हमारे हैं। आज विदाई समारोह में हमारे मंचासीन हमारे डीओ सर और भूतपूर्व डीओ हमारे श्री विनय भंडार वर्मा जी, हमारे 25 बेड के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण राय और मंचासीन हमारे भावी जी और डॉक्टर हमारे सीनियर सीनियर हैं जनपद में डॉक्टर विशोलकर जी, और इस हाल में हमारे कार्यालय स्टाफ, हमारा चिकित्सालय स्टाफ, 25 बेड जो है नगर का जितना भी जो हमारा परिवार है और हमारे फार्मासिस्ट बंधु आज इस सभागार में उपस्थित, मैं सबसे पहले नव वर्ष की जो है शुभकामनाएं बधाई देता हूं। आज जो है नया वर्ष का दूसरा दिन है और हमारे संजय सरकार रिटायरमेंट 31 दिसंबर को हुआ था, तो मुझे इस भाव क्षण में कुछ मैंने कुछ सर के लिए लिखा है। कहते हैं कि रामचंद्र जी जो है वनवास गए थे, हमारे संजय सर जो है हिमालय की चोटियों से लेकर के धरातल की नदियां और रोड सड़क जितनी भी हैं इनका नाम जो है बहुत ऊपर है, ये अच्छे चिकित्सक के रूप में देखे गए हैं, अच्छे अच्छे विचार, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा व्यवहार और मरीजों के प्रति जो है इनका जो मोराल अग्रणी रहेगा, रामली जनपद इसके लिए जो है सदैव याद करेगा। तो जितना भी हमारा जो है यहाँ डॉक्टर स्टाफ है और जो हमारे फार्मेसी बंधु हैं ये बैठे हुए हैं, मैं कुछ अपना उद्गार प्रस्तुत करता हूँ। यदि जा रहे हो तो कहूँ अब क्या, हिफाजत तेरी यादों की पाती रहे, इस सुंदर प्रेम के कानन में अनुराग लता लहराती रहे, जहाँ भी रहें स्निग्ध रहें स्निग्ध सदा पहचान रहे। इसी कविता के माध्यम से मैं अपने सर को ये आज जो विदाई समारोह है, इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, मुझे जीवन भर याद रहेगा और मुझे लगता है कि 94 में मैं पहाड़ों में जब अपनी सेवाएं देने के लिए गया था तो हमारे संजय सर जो है हमसे अक्सर मिलना करते थे और कार्यालय में लोहागढ़ चंपावत की वादियों में जो है कहा गया है स्विट्जरलैंड कहा गया है, चंपावत की वादियों को स्विट्जरलैंड कहा गया है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं सुख है तो पहाड़ों की जो है झरना झील ये वहाँ पर अच्छा आनंद रहा, वहाँ पर सबका मन बहुत लगा रहता था और कभी भी आते थे तो अपने जो है टाइम का विशेष ध्यान रखते थे और कम आना जाना होता था, मगर एक अच्छे माहौल में अपना स्वस्थ जीवन बिताया। मैं आगे कामना करता हूँ नए वर्ष में कि हमारे जो है डॉक्टर साहब का परिवार, हमारी भाभी जी और हमारी पूजनी माता जी और बच्चे बहू जो भी हैं स्वस्थ रहे मस्त रहे। बस इसी के शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश सर से प्रेरित हो रहे हैं, सर भी अजात शत्रु की तरह कार्य करते थे, उनका कोई भी निर्विवाद रूप से सभी को अपना मान के चलते थे, कोई चाहे उनसे मत किसी का मतभेद भी रहा हो लेकिन वो हमेशा सबसे मुस्कुराकर ही मिलते थे, ये सर की अनुभूति थी और ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से 4-5 वर्षों में देखा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समय का ध्यान रखते हुए हमारे जनपद में हमारे इस परिवार की आयुर्वेद परिवार की मुखिया अभिभावक
डॉक्टर अरुण कुमार कुरियन सर है, जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक योगदान अधिकारी है, विगत 30 वर्षों से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। तो सर से भी अनुरोध है, सर भी अपने उद्गार सत्य सर के लिए कहेंगे। आज की सभा में सर्वप्रथम तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलमय है। साथ ही साथ आज हम लोग एक प्रोग्राम में विशेष रूप से एकत्र हुए हैं, वो है हमारे डॉक्टर संजय सिंह का निवृत्त होने के विदाई समारोह। आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर विनय भगवत, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर रवि सोनकर और हमारे बीच समस्त चिकित्सक बंधु हैं, कार्यालय बंधु हैं और अच्छी तैयार के समस्त स्टाफ और संजय सिंह के परिवार के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक डॉक्टर संजय सिंह के बारे में कहना है कि इन्होंने जनपद को विशेष सेवाएं दी हैं, समय समय पे हर स्तर पे हर जगह इन्होंने सहयोग प्रदान किया, कार्यालय से यहाँ तक कार्यालय की बात है, कार्यालय में भी और अपने साथियों के बीच में भी सहयोग दिया है। मैं सहयोग के लिए इनका आभारी हूँ। इन्होंने जगह जगह सहयोग देके कार्यालय का भी मदद की है और अपने साथियों की भी। आज ये सेवाणु निवृत्त हो चुके हैं, आज क्या कल ही हुए है 30 तारीख को सेवाणु निवृत्त हो चुके हैं, 31 तारीख को या तो हम इनसे यही कहते हैं कि आने वाली पारी को ये अच्छे से चलाएं, स्वस्थ रहें एवं परिवार को साथ लेके चलें। इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूरा परिवार कोरोना से ग्रस्त था उस समय, महाराज जी अस्पताल में आए, सारे अस्पताल उसमें बंद थे, केवल हमारा अस्पताल आयुर्वेद सारे अस्पताल खुले हुए थे जो कोरोना के नियमों के अनुसार। तो महाराज जी भी अपना 2 शब्द का उद्बोधन उस समय काल कर देंगे। तो परम पूज्य श्याम साधु जी महाराज जो इस जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध हैं अपनी अनोखी सेवा के लिए, जिनके लाखों लोग उनके वीडियोस को देखते हैं, लोग उनके फॉलोअर हैं, देश विदेशों में अपनी सेवा प्रसिद्ध है, ऐसे हमारे परम पूज्य श्याम साधु जी रायबरेली के अमोल जी हैं, उनसे भी अनुरोध है शीघ्र दो शब्द। इसका डॉक्टर थोड़ा बना दीजिए आप ही बना दीजिए। यहाँ मंचा सिंह धरती के कहे जाने वाले भगवान उपस्थित चिकित्सालय परिवार के सभी लोग, उम्र मेरी जरूर 85 की है लेकिन हाँ पता नहीं भगवान ने कितना कोमल हृदय दिया है कि मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, पुस्ता की बगल में वो भी रो रहे हैं। तो कुछ मैं ये कहना चाहूंगा कि रक्षा बनारस के है, मैं भी बनारस का हूं और मैं पर जाऊंगा अकेला। या तो डॉक्टर साहब वादा दें कि रायबरेली से उनका रिश्ता टूटेगा नहीं, मेरे पास जगह बहुत है, चाहे महीने में एक बार आने घंटे भर के लिए आने, क्यों रायबरेली ने बड़ा नाम कमाया है डॉक्टर साहब ने और कोरोना काल में 22 लोगों को मैंने भेजा, 22 जिनको था कि बस सीधे कोरोना है इनको, और 22 लोगों को डॉक्टर साहब ने ठीक किया 1 रुपए के पर्चे पर, ताकि फिर देखा जाए कि इसके ऊपर बड़ा रिसर्च होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की आप पता नहीं क्या परंपरा है कि अच्छे काम करने वालों को महत्व ज्यादा नहीं दिया जाता। तो हम इसी एक शब्द रखना चाहेंगे डॉक्टर साहब के पास कि या तो हमको आप ले चलिए और या फिर लाइब्रेरी से नाता जोड़ने का वादा लीजिए। बड़ी है ना, क्यों देखिए एक जस की बात है, एक जस की बात है, पूरे संसार में विश्व में काशी नगरी को अलग से जाना जाता है और BHU का निकला हुआ छात्र अगर अपनी पहचान न बनाए
तो फिर ये लगता है कि देवचीव के तरह नहीं है। तो बड़ी चर्चा हुई राज्य ने, कितने लोगों, बहुत से लोगों मैंने नहीं बताया कि विदाई में फिर कलमंडल होता, बहुत लोग आते। तो हमने कहा चलिए अब देखते हो भाई, राजा विदेह जनक वो भी नहीं अपने आप को रोक पाए। तो बस यही हमारी प्रार्थना है कि डॉक्टर साहब रायगली से नाता जरूर जोड़ के रखेंगे, चाहे वो महीने में एक बार आवे। तो यही, और नहीं तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा आपके यहाँ। क्यों, वो भी बनारसी, मैं भी बनारसी, और 85 साल की उम्र भी हमको हो गए जाएंगे, तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। ठीक है, तो हम पानी को विराम देते हैं और यही समझते हैं कि वास्तव में पुष्पा बहन जी गवाह है कि डॉक्टर जिन्होंने जो नाम कमाया, व्यवहार कमाया और बड़ी मेहनत किया करते थे। कोई मरीज को मैंने भेजा, ABCD कोई भी गया तो एक दो घंटा बैठ कर दिख रहे हैं, मन में सोचते रहे कि इतना टाइम कौन देता है आज के जमाने में। पैसा देने पर भी लोग टाइम नहीं देते हैं, और एक पैसा इनके लिए हराम था कि इन्होंने कभी कोई पैसा दिया हो या कोई चाहा हो। तो एक एक अलग छवि के हैं डॉक्टर साहब, और इनको भाई यही है कि बस सब मैंने लगा दिया है, नहीं मानेंगे तो मैं पूछते पास कर मैं बनारस पहुंच जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी का घर बहुत बड़ा है वैसे, करीब एक बीघे का है दुर्गा मार्केट में, और वहाँ जानवरों का अस्पताल भी बना हुआ है, कुत्ते भी अंदर बैठे रहते हैं वहाँ पर, कई गधे भी जमीन के नीचे हैं, बंदर ना गधे। तो महाराज जी ने जो अपने उद्गार कहे हैं, ये हृदय से निकले उद्गार थे जो सत्य थे। ऐसे बहुत सारे लोग के उद्गार हैं जो पूर्ण सत्यता पर आधारित है, और वो सभी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि महाराज जी ने जो बात कही बिल्कुल सत्य है। पुनः अपने क्रम की तरफ हमारे फार्मेसिस्ट संख्या दे वृंदावन मिश्र जी हैं, उनसे भी अनुरोध है मंच पे आ जाए, और हमारे पूरा परिवार जो विभाग होता है इसे परिवार में सभी बड़े से लेकर सभी लोगों का एक योगदान होता है। इसी तरीके से चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं और मंत्री रोहित जी हैं, उनसे भी अनुरोध है अजय जी अजय मंच पर श्री वृंदावन मिश्र। आपकी विधायी समारोह में उपस्थित हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी महोदय, जिनकी विधायी है डॉक्टर साहब का परिवार यहाँ उपस्थित है। सबको सबसे पहले मैं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। डॉक्टर साहब के साथ काम तो नहीं किया हूँ, लेकिन पहली तारीख और 21 तारीख को डॉक्टर साहब अवश्य मिलते थे। चिकित्सा अधिकारी होते हुए भी लोगों से इतने प्रेम से मिलते थे। और अच्छा, डॉक्टर साहब काशी के रहने वाले हैं तो भोलेनाथ तो जरूर होंगे, तो वो भोलाखंड डॉक्टर साहब में कूट कूट कर भरा है। और डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा संबंध हमारे नहीं रहे, लेकिन दो दिन का, महीने में दो दिन का संबंध रहा तो अवश्य मिलते थे डॉक्टर साहब, बहुत प्रेम से मिलते थे और सबसे मिलते थे। माने रायबरेली जनपद में आयुर्वेद परिवार का कोई भी, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे फार्मेसिस्ट संवर्ग हो, चाहे चिकित्सा अधिकारी संवर्ग हो, कोई ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब कभी तेज आवाज में किसी से बात किया हो। हमारी तो यही, जब भी मिले हैं डॉक्टर साहब बहुत प्रेम से और सबसे उसी भाव से मिलते थे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान डॉक्टर साहब को दीर्घायु करें तथा इनकी आगे की जो आयु है वो बहुत उत्तम और मजेदार बन जाए। नौकरी में रहते हुए आदमी में थोड़ी समय की पाबंदी रहती है, तो आदमी और मैंने समय से खाना, समय से नहाना, समय से सब कुछ करना। डॉक्टर साहब से मैं यही आग्रह करूंगा कि इसके बाद भी अपने जीवन काल को बनाए रखिएगा, चाहे जो भी हो अपने समय को मत बिगाड़िएगा, इसी से आपका जो स्वास्थ्य है उत्तम रहेगा। और भगवान से यही मेरी बहुत
आग्रह है कि भगवान डॉक्टर को लंबी उम्र दे, जिससे हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। इसी के साथ मैं डॉक्टर को फिर से आगे की पारी के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वृंदावन मिश्र जी। अजय जल्दी से आ जाए आप भी, समय आइए। माननीय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक निगरानी अधिकारी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त परिवार को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। डॉक्टर साहब आज सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका हम लोग प्यार और आशीर्वाद हमेशा चाहेंगे और उनकी कृपा हम लोगों पर इसी तरीके हमेशा बरसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। समय का ध्यान रखते हैं, हमारे बीच में समय चिकित्सकगण डॉक्टर राकेश यादव सर, सुबोध सर, डॉक्टर अमलेंद्र सर, डॉक्टर हुसैन सर, डॉक्टर एस एन यादव सर, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सर, डॉक्टर रंजीत सर, डॉक्टर आदित्य सर, सभी का एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। अगर कोई अपने उद्गार रखना चाहता है तो मंच पर उनका अभिनंदन और स्वागत है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि और हमारे 25 अब नगर परिवार से सभी सुप्रिया सिस्टर हैं, निधि जी हैं, सहजता सिस्टर, पुष्पा सिंह डाबी आइए, दो सब कह रही है। हाँ अभी तो अरे जाइए, सबसे आप यही बैठ के भूलिए, सबसे पुरानी है, इनसे बड़ा इनसे कोई पुराना बड़ा बड़ा अच्छा व्यवहार इनका रहा। सर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, हमारे साथ रहेंगे 25 बेड में, बहुत अच्छे से हम लोगों को डील करते थे, हम लोग बहुत इनसे खुश रहे। कभी इनके गुस्सा ना हम लोगों ने देखा ही नहीं कि कभी गुस्सा हुए हों, हम लोग बल्कि कहते थे सर सर से आप सबको डांट खिलवाएंगे, लेकिन सर कभी नहीं डांटे हैं हम लोगों को। क्या बोले सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अब हम मंच को सर की तरफ भी लेके जाते हैं। ये डॉक्टर साहब देना है ये उनको माता जी। मैं तो बहुत गलती कर रही थी सर, मुझे तो इसलिए सर से मैं दो ही वर्ड कहूंगी, थैंक यू सर। सर आपने जब भी मेरी प्रॉब्लम रही तो उसमें आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, और सॉरी सर जो मुझसे गलतियां हो गई। सभी लोग के हृदय को उद्गार है और बिल्कुल हृदय से निकले हुए हैं सभी लोग, जो भी कार्य करते हैं वो अपने जो विभाग होते हैं उनके संरक्षण में ही करते हैं। तो अब हम अपने मंच को सर की तरफ लेके जा रहे हैं, डॉक्टर संजय सर की तरफ, कि निश्चित रूप से भावुक क्षण होता है, लेकिन अब हम लोगों के लिए आप सब तो कहेंगे। सर्वप्रथम मैं अपनी पूजनीय माता जी के चरणों में निवेदन करते हुए जो सब आप लोग बीच में कहूँगा, सर्वप्रथम तो हम चिकित्सा अधिकारी शाखा कार्यकारी संघ का जो है बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि मेरे सम्मान में इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है। डॉक्टर प्रदीप राय जी जो कि हमारे बहुत ही नज़दीकी रहे हैं, डॉक्टर रवि जी, डॉक्टर अनु जी, सभी चिकित्सा अधिकारियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों का बहुत ही हमें स्नेह प्रेम मिला, और हमारी जो महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, बहनों के समान हैं, कुछ बेटियों के समान हैं, मैं आप सबका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने जो स्नेह जो प्रेम मुझे दिया वो कहीं नहीं मिला। हालांकि मैंने 35 साल सर्विस किया है उत्तरांचल से लेकर जो है यूपी में, बहुत जिलों में रहा हूँ, मगर जो प्रेम सौहार्द मुझे रायबरेली में मिला, यहाँ के संघ द्वारा जो गठित
व्यवस्थाएं थी, कोई आ रहा है उसका वेलकम, कोई जा रहा है उसका विदाई, ये सौहार्द मैंने कहीं नहीं देखा। मैं प्रतापगढ़ में 12 साल रहा हूँ, कोई सिस्टम कस्टम नहीं कहीं भी। ये चीजें मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। आप सब लोग मेरे दिल में हो और मेरे लायक जब भी किसी कोई जरूरत हो, सेवा हो, जब भी आप बुलाएंगे मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। आप लोगों से बिछड़ने का मुझे गम बहुत है, क्या बताएंगे, प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा। भाई मेरे द्वारा मैं अपने अधिकारी कुरियर जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने हमेशा जो है मुझे सपोर्ट किया, और हमारा ऑफिस स्टाफ के आए हुए समस्त लोगों को और फार्मासिस्ट भाइयों को भी जो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों से बहुत ही मुझे प्यार सम्मान मिला। ऑफिस ने भी मुझे पूरा कोऑपरेट किया और हम तो अपने परिवार के प्रति बहुत ही खुश हैं, खुशकिस्मत समझते हैं, जो कि मेरा परिवार मुझे हमेशा सपोर्ट देता रहा। आज मेरी माता जी की वजह से ही आज हम अपने दायित्वों से जो है मुक्त हैं, तो हम और इससे आगे हम कुछ कहने पा रहे हैं। धन्यवाद। जो कि गलतियाँ होंगे क्षमा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपकी जो ये वाणी रही है ये हम लोगों के लिए बिल्कुल यादगार रहेगी और सदा सदा हम लोग आपको स्मरण करते रहेंगे। ऐसे ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय का ध्यान रखते हुए अनुज सर से पुनः अनुरोध है, वो एक बार मंच पे आ जाएं, सर की स्मृति में कुछ स्मृति चिन्ह और जो भी हमारे संघ के चिकित्सक व्यक्तिगत अपना सम्मान लाए तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार हैं। प्रमिला मैम से अनुरोध है कि अपना दूसरा सॉन्ग प्रस्तुत करना चाह रही थी, वो कृपया करके अपना सॉन्ग प्रस्तुत कर दे, उसके बाद में वो भी एक अपना सॉन्ग ग्रामीण के लिए। मतलब सर से बहुत संपर्क में नहीं रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हूँ सबकी बातें सुन सुन के। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगी सर आपके लिए कि आपके चेहरे पे जो मुस्कान रहती है ना वो आपका व्यक्तित्व तो बता देती है बिल्कुल सर। और पता नहीं क्यों मुझे पता है बहुत खुश है लेकिन मुझे अजीब सा हो रहा है सबके पता नहीं क्यों हो रहा है लेकिन मुझे अजीब सा कुछ प्रिपेयर नहीं किया है बट कोशिश कर रही हूँ मैं भी कुछ सही गाऊं और एग्जैक्ट फिल्म का गाना है तुम आए तो आया मुझे याद गली में अचानक रात तुम आए तो आया मुझे याद गली में अचानक रात जाने कितने दिनों के बाद जाने कितने दिनों के बाद गली में अचानक निकला गली में अचानक निकला। बहुत भगवान से बस यही कामना है कि सर बहुत स्वस्थ रहे और कुछ ऐसे हैं हम आपकी रोशनी उसी प्रकार से सबको फैलाते रहे। थैंक यू। सम्मान समारोह के इस क्रम में को आगे बढ़ाते हुए मैं अब सभी डॉक्टर्स से अनुरोध करूंगा कि कृपया पुष्प गुच्छ देके सर का स्वागत करें। इस क्रम में सबसे पहले मैं डॉक्टर सुमन बोस से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और सर को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। प्रमिला मैम, डॉक्टर प्रमिला मैम, डॉक्टर शालिनी सचान मैम, डॉक्टर खुशबू बोस, डॉक्टर अनामिका शुक्ला बोस,
मनीषा बोस, डॉक्टर निकेता बोस, डॉक्टर प्रियंका बोस, डॉक्टर स्मिता मैम, डॉक्टर अनुभव बोस, डॉक्टर एस एन बोस, डॉक्टर रंजीत बोस, डॉक्टर सैलन बोस, डॉक्टर अमरेश दुबे बोस, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर अमलेश बोस, डॉक्टर सुबोध बोस, डॉक्टर राकेश यादव बोस, फार्मासिस्ट संघ के पूर्व अध्यक्ष गिरपाल वर्मा जी, फार्मासिस्ट संघ के महामंत्री श्री विजय जी, चतुर्थ श्रेणी के अध्यक्ष अजय जी और रोहित जी, हमारे कार्यालय स्टाफ के सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि कृपया आए और सर को पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। बड़े बाबू जी, तिवारी जी, त्रिभुवन जी, टॉफिज बाबू जी, बाकी अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ तो कृपया आप सभी लोग आ सकते हैं, जिनको भी आ रहे हैं सबके सम्मान में। खुद अपना मिस कर रहा हूँ। उमा शंकर शुक्ला जी, मैं सर के परिवार से अनुरोध करूंगा कि वो लोग भी कृपया सभी लोग आए मंच पे और सर को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। आदित्य बोस, आप भी
बाकी आप लोगों से अनुरोध है कि मंच से दर्शन जाए। अभी बाद में ये कर लीजिए। मैं ये जब सब कब दिया जाएगा ये कर... तुरंत करवा रहे हैं। अच्छा। आना है राइट जी बात बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे हमारे बेटे बस ठीक है। मैं रायबरेली जनपद के समस्त चिकित्सा अधिकारी गण से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो सभी लोग मंच पे आ जाए कि हम लोगों की तरफ से संघ की तरफ से सर के लिए एक सप्रेम भेंट है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग सभी चिकित्सा अधिकारी गण आ जाए ताकि एक साथ में सर को दिया जाए। सर आगे आ जाए। चलो
कुछ लोग ऊपर चलते हैं मैं मौला भी सॉल्व देता हूँ। हाँ हाजी लगे सर हमारे साथ आप दोनों लोग मैम मैं डॉक्टर रवि से अनुरोध करूंगा कि वो सर को इस प्रतिष्ठित देकर सर का सम्मान करें। महाराज जी आइए अभी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। थोड़ा इसको बनाइए जरा सब मीडियम सब कर लें दोनों कर लें। हां हां आइए आप बंदा हो। ओके 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 डीओ सर से अनुरोध है कि पूर्व डीओ सर का अंगवस्त्र प्रदान कर उनका सम्मान करें। संजय बॉस आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए कृपया।
मैं राकेश यादव बॉस से अनुरोध करूंगा कि हमारे क्रांति अध्यक्ष प्रवीण बॉस का मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। खड़े हो जरा ढंग से।
बुला लो सबको, जल्दी कह रहे थे। पीछे रख दो, पीछे रख दो, ऊपर दो माइक, पीछे रख दो, हम लोग दीदी ऊपर देखो तुम फोटो खींचोगे ना जूते को पहन लेते। सब चिकित्सक हमारे जो हैं वो सभी लोग मंच पर आकर के एक बार नीचे से अरे आप लोग ऊपर हो जाएगा, ऊपर ऊपर बॉस आप लोग ऊपर आ जाइए, आप लोग ऊपर ठीक है, साफ में हो जाएगा। नॉर्मा भी मैं लेना पड़ेगा। क्या लगता है सबके साथ में हम भी आ जाए? डॉक्टर संजय सिंह को रायली के लोगों ने कोहनूर हीरा की उपाधि से नवाजा। हम लोग कोशिश करेंगे कि रायली इनका छूटने न पावे, किसी न किसी रूप में इनका रायली से ये जुड़े रहे। बड़ा हाथ इनके जस भी है, करोना काल में 22 लोगों को ठीक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु प्रभु कहाँ छिपे हैं? आपका गाना मिस कर रहा हूँ। Thank
अपनी शादी ऊपर नीचे से कैसे नहीं हाँ बन रहा बन बच्चा देर हो रही है हमको भाई क्लिनिक भाई पाँच बजने वाला हाँ अनाउंस कर दिया सब लोग सभी लोग इसके ऊपर वाले फ्लोर में भोजन की व्यवस्था है तो सभी लोग भोजन करके जाएंगे तो आप लग जाएंगे सामने फ्लोर है उसके ऊपर वाले फ्लोर का भोजन की व्यवस्था है और पूरा सर्वगद्री में जीवन के लिए वो स्वस्थ रहे आरोग्यवान रहे उनका सानिध्य हमें मिलता रहे इसी सुंदर भाव के साथ